हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही अपने चैनल इंटेलिजेंस टॉक विद जीजी में। दोस्तों, गोवा में बीचेस के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत कुछ है घूमने के लिए, लेकिन हम जब भी गोवा जाते हैं हम या तो बीचेस के बारे में सोचते हैं या तो कैसिनोज के बारे में सोचते हैं। दोस्तों, गोवा में बहुत सारे हिडन जम्स हैं और इससे रिलेटेड मैं एक सीरीज ऑफ वीडियोस लेकर आया हूं, जिसमें मैं कवर करूंगा कि गोवा में बहुत खूबसूरत जो आइलैंड है उनके बारे में, और मैं कवर करूंगा गोवा विलेजेस के बारे में, और इसके अलावा भी बहुत सारे यूनिक अट्रैक्शंस के बारे में मैं कवर करूंगा जो आप गोवा जाएं तो विजिट कर सकते हैं। तो बेसिकली आज मैं कवर करने वाला हूं गोवा में जो कंट्री साइड है, जो विलेजेस हैं, बहुत ही खूबसूरत विलेजेस हैं, और जो छोटे छोटे टाउन्स हैं जो आप विजिट कर सकते हैं और वहाँ पर अलग तरह के गोवा को फील कर सकते हैं, गोवा की रियल ब्यूटी को फील कर सकते हैं, गोवा के रियल कल्चर को फील कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो मैं मेंशन करने जा रहा हूँ वो है आर्वेलम केव्स, जिसे हम लोग हार्वेलम केव्स के नाम से भी जानते हैं या पांडवास केव्स के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जो 5 पांडव हैं वो कुछ समय के लिए गोवा में रहे थे और ये जो आर्वेलम केव्स हैं वो वहाँ पर रहे थे, और इसलिए केव्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। केव्स का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, लेकिन बहुत ज़्यादा अपीलिंग है, तो आप वहाँ ज़रूर इन्जॉय कर सकते हैं। इसकी जो टाइमिंग है वो 9 to 1 और 2 to 5 है, 1 आवर का बीच में ब्रेक होता है। इसके अलावा दोस्तों, जब आप विजिट करेंगे तो आपको पास में ही एक हार्वेलम वाटरफॉल है, उसको भी आप इंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल है। दोस्तों देखिए, गोवा में दूधसागर वाटरफॉल भी है, वो हिडन जम्स नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, लेकिन वो काफ़ी दूर भी है। अगर आप हार्वेलम वाटरफॉल की बात करेंगे तो वो जस्ट 30 किलोमीटर दूर है पणजी से, तो आप हार्वेलम वाटरफॉल और साथ ही साथ हार्वेलम केव्स दोनों को एंजॉय कर सकते हैं। ये बेसिकली आपका सेंक्विलिम विलेज में है, ये जो विलेज है वो बिचोलिम विलेज से 9 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, और तो यहाँ पर बहुत ही फेमस टेम्पल भी है, रुद्रेश्वर टेम्पल। तो ओवरऑल एक बहुत ही अच्छा पैकेज बन जाता है घूमने के लिए, तो आप जरूर इसके बारे में सोच सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक और पॉइंट बोलना चाहूँगा, जितने भी विलेज मैं मेंशन करूँगा आप कोशिश करिएगा कि उन विलेजेस में आप स्कूटी या बाइक से ही जाएं, ताकि जब आप रास्ते में जा रहे हो तो बीच के भी अगर कोई बहुत ही खूबसूरत स्पॉट हो तो वहां पर आप रुक कर इंजॉय कर पाएं, फोटोज ले सकें, मींस सारी जर्नी को इंजॉय कर पाएं। तो टैक्सी से मच बेटर होगा कि आप स्कूटी से जाएं, लेकिन अगर कोई बहुत दूर है कोई विलेज और या कनेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं है, तब आप बस से या टैक्सी से भी जा सकते हैं, या वाया बोट है तो बोट से भी जा सकते हैं। नौ दोस्तों, जो नेक्स्ट विलेज है वो है बिचोलिम। जैसा मैंने अभी आपको बोला था कि जो पांडवास केव्स हैं वो बिचोलिम विलेज से बहुत पास में हैं, तो आप चाहें तो पांडवास केव्स के साथ बिचोलिम विलेज को भी इंक्लूड कर सकते हैं। दोस्तों, बिचोलिम विलेज में एक बहुत ही फेमस लेक है मायाम लेक, वहाँ पर दोस्तों आप पैडल बोट का इंजॉयमेंट कर सकते हैं, और जो मायाम लेक है दोस्तों उसके आसपास बहुत ही खूबसूरत सीनरी है, बहुत सारे सुंदर सुंदर ट्रीज़ हैं, और इसके अलावा बहुत ही खूबसूरत आपको वहाँ बर्ड्स देखने को मिलती हैं। तो ओवरऑल दोस्तों, पांडवास केव्स, बिचोलिम, मायाम लेक और वाटरफॉल और टेंपल, बहुत ही एक खूबसूरत आप टूर बना सकते हैं इन दोनों विलेजेस को इंक्लूड करते हुए। नाउ दोस्तों, जो नेक्स्ट है वो है चंडोर। दोस्तों, एक बहुत ही खूबसूरत टाउन है, मडगांव से बहुत ही पास है, और दोस्तों ये पुर्तगालीज एरा का बहुत ही इंपॉर्टेंट टाउन है। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक बहुत ही खूबसूरत पुर्तगालीज मैंशन देखने को मिलता है, जो आज की डेट में 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो उस मेंशन को आप देख सकते हैं, दोनों पार्ट्स को देख सकते हैं। जो टिकट है वो अप्रॉक्सीमेटली 150 रुपीज़ है ईच पार्ट के लिए, तो ये भी एक बहुत ही प्यारा प्लेस है जहां पर आप विजिट कर सकते हैं। और अगेन, जब आप रास्ते में जा रहे होंगे तो रास्ते में जो भी टूरिस्ट स्पॉट आपको दिखाई दे उनका भी आप इंजॉयमेंट कर सकते हैं। नाउ दोस्तों, नेक्स्ट है पोंडा विलेज। दोस्तों, ये एक बहुत ही खूबसूरत विलेज है, इसमें आपको बहुत कुछ करने को मिलेगा। यहाँ पर बहुत खूबसूरत खूबसूरत टेम्पल्स हैं, स्पाइस प्लांटेशंस हैं, स्पाइस फॉर्म्स हैं। बेसिकली दोस्तों, जो पोंडा विलेज है वो लगभग 30 किलोमीटर दूर है पणजी से, साउथ गोवा में है। तो जैसा मैंने आपको बोला, यहाँ पर बहुत कुछ है करने को। तो यहाँ पर एक बहुत ही फेमस चीज़ है सहकारी स्पाइस फार्म। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही प्यारा हिडन जम्स है आप बोल सकते हैं। यहाँ पर आपको वो प्लांटेशन टूर पर लेके जाते हैं, इसके अलावा आप स्पाइस को डिफरेंट डिफरेंट स्पाइस के बारे में जान सकते हैं, उनको टेस्ट कर सकते हैं, इसके अलावा आप वहाँ पर रुक भी सकते हैं, इसके अलावा आप वहाँ पर गोवा के बहुत ही
डिलीशियस लंच का एंजॉयमेंट कर सकते हैं, फॉग डांसेस का एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही खूबसूरत एक प्लेस होगा आपके लिए दोस्तों। और इसके अलावा अगर मैं टेम्पल्स की बात करूं तो लक्ष्मी नरसिम्हा टेम्पल है, महालक्ष्मी टेम्पल है, श्री रामनाथ टेम्पल है, शांता दुर्गा टेम्पल है। तो दोस्तों बहुत ही सारे टेम्पल्स हैं यहाँ पर। एक्चुअली जब भी आप पोंडा विलेज पहुंचेंगे बहुत सारे आपको स्पाइस फॉर्म मिलेंगे, बहुत सारे टेम्पल्स मिलेंगे। तो ओवरऑल बहुत कुछ है घूमने के लिए। मैंने जस्ट कुछ मेन अट्रैक्शंस के आपको नाम बताए हैं। तो ये भी एक बहुत ही खूबसूरत विलेज है, आप वाया स्कूटी जा सकते हैं इस विलेज में भी। नाउ दोस्तों अगर नेक्स्ट विलेज की बात करूं तो वो है अरांबोल। दोस्तों ये भी अपने आप में एक बहुत ही फेमस विलेज है। इसको मैं हिडन जम्स नहीं बोलूंगा क्योंकि बहुत लोग इसके बारे में जानते हैं, लेकिन दोस्तों फिर भी बहुत लोग नहीं जाते हैं अरांबोल भी। दोस्तों हम सिर्फ बाघा बीच या कैंडुलम बीच या कैलंगुट बीच तक ही सीमित रह जाते हैं। इवन हम साउथ गोवा भी नहीं जाते पेलोलम बीच, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा बीच है। तो अरांबोल के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये 50 किलोमीटर दूर है पंजिम से, और दोस्तों ये बहुत ही फेमस प्लेस है फॉर योगा, फॉर मेडिटेशन। तो बहुत ही अलग सा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा गोवा में। दोस्तों गोवा के बारे में हम कभी नहीं सोचते कि यहाँ योगा होता है या मेडिटेशन होता है, तो बहुत ही प्यारा सा एक प्लेस है। इसके अलावा यहाँ पर एक अरांबोल बीच भी है जो कि बहुत ही खूबसूरत बीच है। इसके अलावा आप माउंटेन्स पे विजिट कर सकते हैं और ब्यूटीफुल सनसेट का एंजॉयमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों इसके अलावा यहाँ पर स्वीट वाटर लेक है, और इसके अलावा दोस्तों बहुत ही फेमस यहाँ पर चर्च भी है। तो ओवरऑल दोस्तों बहुत ही प्यारा पैकेज बन जाता है अरांबोल विलेज का। आप यहाँ पर जरूर जाइए, ये नॉर्थ गोवा में है लेकिन दूर है थोड़ा सा मेन बीचेस से, बाघा बीच से, लेकिन आप इंजॉय कर सकते हैं, आप आराम से स्कूटी या बाइक से यहाँ पर जा सकते हैं। नौ दोस्तों नेक्स्ट है नेत्रावली। दोस्तों यहाँ पर नेत्रावली जो है एक बहुत ही खूबसूरत पैकेज बनता है आपके लिए। एक तो दोस्तों नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत ही फेमस है, जिसके बारे में अलग से एक वीडियो में कवर करूंगा जब मैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में कवर करूंगा। और दोस्तों इसके अलावा नेत्रावली में एक तनशिखर स्पाइस फार्म है, और तनशिखर स्पाइस फार्म दोस्तों वहाँ पर आप रूम भी बुक करा सकते हैं, वहाँ आप रुक सकते हैं, आपको कंप्लीट नॉलेज मिलेगा स्पाइस के बारे में, आप स्पाइस टूर पर जा सकते हैं। और इसके अलावा आप स्पाइस बाय भी कर सकते हैं, आप वहाँ से हनी बाय कर सकते हैं। ओवरऑल दोस्तों बहुत ही खूबसूरत प्लेस है, आपको बिल्कुल आप बोल सकते हैं गोवा की भीड़ भाड़ से दूर आप एक अलग से प्लेस पर रह रहे होंगे। आप वहाँ पर वाईफाई या इंटरनेट या टीवी एक्सपेक्ट मत करिएगा, बट आप रिलैक्समेंट वहाँ पर फुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत ही प्यारा प्लेस है। दोस्तों जो नेक्स्ट है वो है वेलपोई। दोस्तों आप वेलपोई जा सकते हैं और रिवर राफ्टिंग के मजे ले सकते हैं। दोस्तों जब भी रिवर राफ्टिंग की बात होती है तो हमेशा हम ऋषिकेश के बारे में सोचते हैं, लेकिन गोवा में भी रिवर राफ्टिंग बहुत ही ज़्यादा फेमस है। लेकिन अगेन हम सिर्फ बीचेस के बारे में सोच के कभी इन सब चीज़ों पर ध्यान ही नहीं देते। तो दोस्तों आप वेलपोई जा सकते हैं, पंजिम से 50 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, और दोस्तों जो रास्ता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। तो आप बीच पे फोटोज़ लेते लेते जा सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पर रिवर राफ्टिंग की बात करूँ तो ये महादेवी रिवर पर होती है। दोस्तों जब आप रिवर राफ्टिंग कर रहे हो तो महादेव रिवर के बॉर्डर में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, तो दोस्तों आप वाइल्ड लाइफ के भी मजे ले सकते हैं अलॉन्ग विद द रिवर राफ्टिंग। तो दोस्तों बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस होता है ये भी आपके लिए, नेचर लवर्स के लिए बहुत ही खूबसूरत प्लेस है। और दोस्तों एट लास्ट आप केरी विलेज जा सकते हैं, ये पणजी से 20-25 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, और दोस्तों ये बहुत ही फेमस है आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स के लिए। तो दोस्तों ये कुछ खूबसूरत विलेजेस के ऑप्शन हैं, टाउन्स के ऑप्शन हैं, जो आप गोवा में विजिट कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अपना बहुत बहुत ध्यान रखें।